नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। तो अभी हम लोग लेक्चर 7 को डिस्कस कर रहे थे और ज्ञान क्या है इस पे बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि मानव की जो मूल चाहना है निरंतर सुख है। निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, और समाधान को फैलाया तो उसमें 9 बिंदु ध्यान में आए। ज्ञान विवेक विज्ञान व्यवहार कार्य व्यवस्था भागीदारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा है ना। ये पूरा फॉर्मुलेशन ध्यान में आता है और उसमें अभी हम ज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमें यह ध्यान में आया कि किसी भी इकाई की अगर बात करें उसके 5 आयाम दिखाई देते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म और परम धर्म। तो रूप और गुण में वैरायटी है, समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु स्वभाव धर्म और परम धर्म इसको जब देखते हैं तो इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। तो रूप का मतलब हुआ कि किसी इकाई का आकार आयतन घन उसका शेप साइज डेंसिटी इन सब चीजों को लेकर देखें तो ये रूप है। तो कोई भी इकाई को देखते हैं तो उसका एक रूप दिखाई देता है। प्रकृति में इतनी सारी इकाइयां हैं, मेरे शरीर का भी एक रूप है ना, आसपास की वस्तुओं का भी एक रूप है, तो हर इकाई कोई ना कोई रूप है। गुण की बात करते हैं तो गुण का मतलब परस्परता में प्रभाव। एक इकाई की दूसरी इकाई के साथ परस्परता में जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसको गुण कहा। तो इसमें 2 यूनिट्स हैं, U1 और U2, और इसमें पहचाना निर्वाह करना शामिल है। इकाई का इकाई को जो परस्परता में प्रभाव बनता है वो पहचाने निर्वाह करने के आधार पर बनता है। अब हम किसी इकाई को जब देख रहे हैं तो यदि हम सेंसेशन के थ्रू देखें तो उसके रूप को हम देख पाते हैं है ना, और कुछ हद तक देखें तो उसके गुण को हम देख पाते हैं, क्योंकि रूप में जो परिवर्तन होता है उससे गुण का पता भी लगने लगता है, तो हम गुण को भी देख पाते हैं। अब इसमें देखें तो हमारी ज्ञानेंद्रियां शामिल है, हम इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन माध्यमों से इकाई के रूप का और आंशिक रूप से इकाई के गुण को देख पाते हैं, और इसमें मैं और शरीर इन दोनों का भागीदारी है। अगर तर्क के आधार पर देखें, विचार के आधार पर देखें, तो उसमें भी हम गुण को देख पाते हैं, और ये स्वयं में होने वाला काम है। तो इसमें जो स्वयं की क्रियाएं हैं वही शामिल है, इसमें शरीर की भागीदारी नहीं। तो शरीर से हमने रूप को देखा, रूप में होने वाले परिवर्तन को देखा, परंतु यहाँ पर जो हम विश्लेषण करते हैं ये स्वयं में होने वाला काम है। इकाई इकाई को कैसे प्रभावित करती है, तो आंखों से सामने जो दिख रहा है रूप का परिवर्तन दिख रहा है, बस रूप का परिवर्तन दिख रहा है, उससे मैं गुण का आकलन करता हूँ, ये गुण है ये नहीं, और उसके लिए मैं विश्लेषण करता हूँ, आस्वादन तो करता ही हूँ। यदि इकाई के जो तात्विक स्वरूप को देखें, इसमें इसका स्वभाव धर्म और परम धर्म शामिल है, तो ये मैं में होने वाला है और ये ब्लॉक B1 में होने वाली क्रियाओं से दिखाई देता है। तो हम किसी इकाई के संबंध को देखते हैं यानी स्वभाव को देखते हैं तो चिंतन की क्रिया के स्तर पर देख पाते हैं। किसी इकाई की व्यवस्था को देखते हैं, धर्म को देखते हैं तो बोध पाते हैं, और इकाई के सहस्तित्व को जब देखते हैं, इनफैक्ट जब सहस्तित्व को देखने की योग्यता बनती है तो पूरी प्रकृति ही सहस्तित्व में दिखाई देती है, शून्य में संपृक्त बने रहते हुए, वो हम अनुभव के स्तर पर देखते हैं। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, एक तो इसका आकलन होना जरूरी है। तो आमतौर पर क्या होता है कि हम रूप को देख रहे होते हैं और उससे गुण का हम आकलन कर रहे होते हैं और रूप और गुण के साथ जीने का कार्यक्रम बना रहे होते हैं। तो प्राइमरीली देखें तो पहचाने निर्वाह करने पर ध्यान है, और उसके पीछे हमने कुछ माना हुआ है, जो हमने माना हुआ है उस पर हम बहुत विश्लेषण भी नहीं कर पाते, बहुत मूल्यांकन भी नहीं कर पाते, परंतु इतना जरूर है कि वो मानकर जब हम निर्वाह करने जाते हैं और निर्वाह ठीक नहीं होता तो फिर मानने में कुछ परिवर्तन ले आते हैं विचार पूर्वक। बट अल्टीमेटली जो हमारा जीना है वो मानना पहचाना निर्वाह करना इतने तक में सीमित रह जाता है, अगर हम रूप और गुण के स्तर पर जी रहे हैं। जब हम स्वभाव को यानी संबंध को देखने जाते हैं तो फिर हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि चिंतन की क्रिया हमें जागृत नहीं है तो हम उस परस्परता में प्रभाव के आधार में जो संबंध है उसको ठीक ठीक देख नहीं पाते। इकाई इकाई बनी हुई है उसके आधार में जो व्यवस्था है उसको ठीक ठीक देख नहीं पाते।
तो अभी हम जहां से शुरू करते हैं, हमें लगता है ये क्या देखने की बात है, तो है ही, है ना, बना हुआ है, ठीक है, ये मकान खड़ा है, ठीक है, खड़ा रहता है, एक बार बना दिया बना रहता है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि इसकी स्वयं में कोई व्यवस्था है। ये मिट्टी हवा पानी आपस में जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे आपस में जुड़े हुए हैं, निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है, बट इनका एक मौलिक रूप से एक संबंध बना हुआ है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कुछ चीजों को अभी हम अंडरमाइन करके चलते हैं या इग्नोर करके चलते हैं, परंतु जब ध्यान देने लगते हैं तो दिखता है कि जो परस्परता को अभी तक मैं पहचाने निर्वाह करने के आधार पर देख रहा था और रूप और गुण में ही जीने का प्रयास कर रहा था, उसमें गलतियां इसलिए हो रही क्योंकि जिसको मैं अंडरमाइन कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। खासतौर पर जब मानव मानव संबंध की बात होती है तो चीज बहुत प्राइमरी हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर यदि हमने संबंध को नहीं देखा तो संबंध के दुख बने रहते हैं, वहां यदि हमने व्यवस्था को नहीं देखा तो हमें सुख क्या है ये कभी स्पष्ट नहीं होता। तो इतनी बात हम लोगों ने कल की थी, इसको लेकर असाइनमेंट भी लिया था। कल हम लोगों ने गुण और स्वभाव के बीच अंतर को भी देखने का प्रयास किया था, कई बार दोनों एक तरह की चीज लेती हैं। इनफैक्ट जब मानव की बात करते हैं कि स्वभाव शब्द का दुरुपयोग कई बार होता है, तो हम जैसे कहते हैं कि अरे छोड़ दो इससे बात मत करो, स्वभाव ही ठीक नहीं है, है ना। अब वो स्वभाव ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, तो स्वभाव का मतलब हुआ स्वयं स्वीकृत भाव, जो उसकी सहज स्वीकृति है संबंध में, परस्परता में, उसको स्वभाव कह रहे हैं ना। तो किसी का स्वभाव ठीक नहीं कहना बनता नहीं है, उसका भाव ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, है ना, ये हम देख सकते हैं। और उसका स्वभाव ठीक है ये भी दिखाई देता है, अगर ध्यान देते हैं दिखता है कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, तो किसी के स्वभाव में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। जो कमी है हो सकती है वो उसके गुण में हो सकती है, परस्परता में जिस तरह से निर्वाह हो रहा है उसमें हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, रूप में हो सकता है, किसी इकाई के रूप में कोई कठिनाई हो, इतना भर हो सकता है, बट स्वभाव में, है ना, यदि मानव की बात करें स्वभाव में कोई समस्या नहीं है। परंतु स्वभाव शब्द को कई बार हम सही अर्थ में प्रयोग नहीं करते, और एक कॉमन सा एक प्रयोग है जहां हम कहते हैं किस व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, इसे दूर रहो, इसे बच के रहो, है ना, इसे बात मत करो, अवॉइड करो, एंड सो ऑन। और उसमें मजे की बात है कि हम अगर अपने स्वभाव पर भी ध्यान देना शुरू करें तो हमें दूसरे का स्वभाव भी समझ में आता है, और जिस तरह से हमको अपने बारे में लगता है कि मेरा इंटेंशन तो प्योर है, साउंड है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, यही बात हमको दूसरे के बारे में दिखाई देता है। तो ये स्वभाव शब्द को ठीक से समझना जरूरी है, अदरवाइज गुण को स्वभाव के साथ हम मिक्सअप करते रहते हैं, और इसीलिए हम उसको ठीक से एनालाइज भी नहीं कर पाते कि व्यक्ति का स्वभाव है क्या। और जब मानव के स्वभाव को ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते तो शेष प्रकृति के स्वभाव के अध्ययन में भी वही सारा कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, डायलेमा, ये सब बना रहता है। जी, इतनी बात हमने कल ऑब्जर्व की थी। इतने को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते भैया। नमस्ते, एक मिनट इधर आना। हेलो भाई, भैया आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। भैया मेरा प्रश्न था इसमें गुण और स्वभाव को लेके, कि मानव का जो मांसाहारी होना है तो वो उसका गुण है या स्वभाव है, आप बताइए। मुझे तो वो उसका स्वभाव ही लगता है। स्वभाव क्या होता है? क्योंकि हर कोई तो मांसाहार नहीं करता, अगर करता नहीं, स्वभाव तो क्या होता है? अभी उन्होंने स्वभाव को परिभाषित भी किया। हाँ, अभी आपने मतलब उसके अंदर किसी मतलब खाने के किसी की संवेदना पैदा हुई, उसकी उसको मैंने मांस खा के मैं तो वो उसका स्वभाव हो गया, किसी के अंदर नहीं पैदा हो सकता। फिर से बता देता हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, स्वभाव मतलब स्वयं में स्वीकृत भाव, जो सहज स्वीकृति है। तो संवेदना पैदा हो गया, कोई निर्णय हो गया, ये सहज स्वीकृति थोड़ी है। तो फिर भी इसको कैसे समझेंगे आप, बताइए। उस व्यक्ति का गुण है, उसका अभ्यास बन गया है। तो ये सब गुण है। हम जैसे भोजन के साथ निर्वाह करते हैं, जैसे कपड़े के साथ निर्वाह करते हैं, जैसे हम दूसरे मनुष्य के साथ निर्वाह करते हैं, ये सब गुण है।
जो हमारी सह स्वीकृति है वो स्वभाव है। अच्छा भैया, लेकिन फिर भी भैया थोड़ा इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा है अभी। क्या कह रहे हो बताइए। जैसे गुण तो मतलब एक जैसे निश्चित होते हैं, जैसे किसी की, जैसे मानव का, जैसे पशु का गुण है उसका निश्चित है। तो अभी हम उल्टा मानते हैं कि गुण तो निश्चित होता है, स्वभाव बदलता रहता है, ऐसा मानते हैं ना? हाँ, सुनते नहीं है। अभी कल भी दिन भर, कल भी सुबह के सत्र में बात हुई, अभी भी बात हुई। गुण का मतलब परस्परता में प्रभाव, जो बदलता रहता है समय के साथ। कि नहीं, इकाई इकाई की परस्परता में परिभाषित होता रहता है। तो आप जैसे आप दही खा रहे हैं, कहीं सुबह खाएं एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, दोपहर में खाएं एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, शाम को खाएं रात को खाएं हर समय अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो समय के साथ बदल रहा है, वही दही है वही शरीर है, परंतु भिन्न भिन्न समय पे प्रभाव बदल रहा है। मौसम को देखें, ठंड के मौसम में दही खाएंगे एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, ना गर्मी के मौसम में खाएंगे अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो जो प्रभाव है परस्परता में, ये समय के साथ, व्यक्ति के साथ, इकाई के साथ बदलता रहता है। पर जो स्वभाव है ना दही का, वो निश्चित है। जो शरीर का स्वभाव है निश्चित है जी भैया। तो शरीर एक प्राणावस्था की इकाई है ना। दही को भी देखिए, वो भी प्राणावस्था की इकाई है, उसमें भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, ढेर सारी चीजें हैं, पदार्थ भी है, प्राणावस्था की इकाइयां भी है। तो सारक मारक के रूप में काम कर रहा है। हम पानी पी रहे हैं, पानी खाना खाने के पहले पी रहे हैं, खाना खाने के बीच में पी रहे हैं, खाना खाने के बाद पी रहे हैं, इन सब से प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो अभी हम लोग जितना सारा स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं, औषधियों का, द्रव्यों का, इन सब को देखें तो प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आयुर्वेद में भी हम स्वास्थ्य में लेकर भिन्न भिन्न चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको अध्ययन करते हैं। प्रचलित विज्ञान में हम भिन्न भिन्न इकाइयों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन करते हैं। ये सब गुण है। स्वभाव का मतलब अवस्था के रूप में दिखाई देता है। जी भैया, जी 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 भैया, समझ में आ गया। बढ़िया बढ़िया दीदी। अरुणा जी, हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मैं एक तो ये पूछ रही थी कि कल वाली बात में ना, एक तो आपने कहा था सेल्फ का मतलब आकार मतलब निश्चित होता है, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। और दूसरा भैया, कहाँ कहाँ निश्चित होता है? मैं जो कहता नहीं वो सुन लेते हैं। मैंने कहाँ कहाँ आकार निश्चित है? आकार तो बदलता रहता है। जैसे मैं बैठ गया, मैं खड़ा हो गया, है ना? अच्छा। मैं लेट गया, हर समय तो आकार अलग है। हाँ, तो भैया सेल्फ का आकार होता है क्या? मतलब ये सवाल था, मैंने गलत बोल दिया। सेल्फ का आकार समझ नहीं आया भाई, सेल्फ का आकार कैसे हो सकता है? रुके रुके, सेल्फ होता है कि नहीं? होता है सेल्फ। क्या होता है सेल्फ? शरीर का ही कोई प्रभाव है या कुछ अलग सी इकाई है? अलग इकाई है। अलग इकाई है, वो हर जगह होता है, कहीं कहीं होता है? सेल्फ तो हर बॉडी के साथ है। हर बॉडी के साथ है ना, परंतु क्या पूरे अस्तित्व में सेल्फ फैला हुआ है या कुछ स्थान पर है? नहीं, बॉडी के साथ ही है। मतलब बॉडी के साथ है, तो अगर किसी स्थान पर है ना, तो उसका आकार तो होगा ना। जैसे आप पंजाब में, मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो मेरे आकार की एक सीमा होगी ही। मैं कहीं एक जगह तक फैला हुआ हूँ, आप कहीं एक जगह तक फैली हुई है, तो सीमित आकार होगा। हाँ, मतलब शरीर का आकार तो समझ में आया। हाँ, अभी यहाँ से देखते हैं, आप पंजाब में है ना, आप दिल्ली में तो नहीं है? नहीं। तो आपकी कोई सीमा है कि नहीं है? हाँ जी। तो आपका आकार भी होगा, जब सीमा है तो आकार होगा ना। हाँ भैया, आप इसमें सेल्फ मतलब पूरी सेल्फ और बॉडी दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं, मेरी सेल्फ और बॉडी, या मेरी सेल्फ? अभी तो आपकी बात कर रहे हैं, बॉडी को तो अभी एक तरफ रख देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। आप पंजाब में है, दिल्ली में नहीं है, तो आपकी कोई सीमा है। सीमा है तो फिर आपका आकार भी होगा। भाई, किसी चीज का फैला, जैसे मकान है, मकान का आकार होगा ना। मकान आपने बनाया है, अपने प्लॉट पे बनाया है,
ऐसा तो नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ मकान, उसका एक आकार है, वैसे ही आप भी है ना, कहीं एक निश्चित स्थान पर है, शरीर के साथ है, चलते हैं तो शरीर के साथ चलते ही है, तो जहाँ पहले शरीर था वहां नहीं रह जाते हैं, शरीर को अगर चलाना शुरू किया हमने तो शरीर के साथ साथ बने हुए। अच्छा हाँ ये सही है। अच्छा एक भैया और के जो नहीं, ये यूनिट समझ में आ गया? हाँ ये भैया आ गया, अच्छे समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताइए? ये के मतलब 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 एक सीमा है, मतलब एक सीमा में ही हूँ मैं। हाँ तो शरीर की भी सीमा है, शरीर के साथ आप बने हुए हैं। हाँ उस शरीर के साथ में बनी हुई हूँ, इस करके मेरी मतलब मेरी सीमा उस सीमा में ही हूँ मैं, एक सीमा में ही हूँ। और आप एक चेतन इकाई है, शरीर जड़ इकाई है, तो उस जड़ इकाई के साथ बने हुए हैं, एक सीमा है। अब इसको हम देख सकते हैं, है ना, ये और बात है कि इसको देखने के लिए जो अपने को और सूक्ष्मता तैयार करनी है और जो निर्णय लेना है, तैयारी करनी है, उसकी जरूरत है, उसको पूरा करना होगा। पर देखा जा सकता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो मुझे अपना ही अगर आकार देखना हो तो देख सकते हैं, तो मैं तो अपने साथ हूं ही, हर क्षण हूं, तो अपने आकार को भी देख सकते हैं, परंतु उसके लिए थोड़ा और निर्णय लेना होगा, तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी हमारे स्तर की प्रायोरिटी नहीं बने तो नहीं देख पाते, प्रायोरिटी बन जाती है, देख लेते हैं। तो भैया अगर मतलब शरीर से अगर मैं अलग हो गई तो भी उस यूनिट का आकार बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा पूछ आप रही थी। अगर शरीर से अलग होंगी तो हर जगह रहेंगी या कहीं एक स्थान पे रहेंगी? हाँ शायद एक स्थान पे। एक स्थान पे तो आकार तो होगा ही। अच्छा नहीं, जब बॉडी के साथ ही मेरा आकार बना हुआ है ना। हाँ शरीर से आप भिन्न हो गई, अलग हो गई, शरीर चला गया मान लीजिए, ठीक, तो आप है ना, आपका होना हाँ? तो मिट नहीं जाएगा, नहीं और होंगी तो एक कहीं स्थान पे ही होंगी, हर जगह तो फैली हुई नहीं होंगी, अच्छा तो आकार वहां भी होगा। ठीक है नहीं? एक और भैया, ये हो गया भैया वैसे तो, और इसमें अगर कुछ और मतलब है तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगी। ये तो भैया मुझे समझ में आ गया कि जहाँ भी हम हैं तो वहां पर हमारा मतलब एक सीमा में ही है, जहाँ पर भी है, चाहे वो शरीर के साथ है या जहाँ पर भी एक स्थान पे है, तो इस करके उस सीमा में हम है तो हमारा आकार है ना। हाँ, यही बोला है आपने जी। भैया। एक ही पूछना था कि जो कोई भी यूनिट है वो मतलब हर यूनिट किसी न किसी ऑर्डर में ही है, मतलब किसी न किसी व्यवस्था मतलब ऑर्डर अवस्था में होती है ना, तो भैया सेल्फ भी एक यूनिट है तो फिर वो जी, किसी अवस्था में क्यों नहीं है? तो सेल्फ एक चेतन इकाई है, शरीर के साथ जुड़कर ज्ञानावस्था में है, तो जिस तरह से हम निर्वाह कर रहे हैं उसके अनुसार चार अवस्थाओं में रखा गया है। इकाई को देखें तो दो प्रकार की है, जड़ और चैतन्य, इन दोनों को जैसा वैसा समझ सकते हैं। अब जैसे अगर हम एक जड़ इकाई को ले, है ना, एक मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम आपका पदार्थ अवस्था में भी है, ऑक्सीजन का एटम आपका प्राण अवस्था में भी है, ऑक्सीजन का एटम आपका जीवावस्था में भी है, ऑक्सीजन का एटम ज्ञानावस्था में भी है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन है कि नहीं? है ना, तो ज्ञानावस्था में वो इकाई बनी हुई है। वही देखें तो पशु के शरीर में भी ऑक्सीजन बना हुआ है, पेड़ पौधे में भी ऑक्सीजन बना हुआ है, और पदार्थ अवस्था में तो है, ऑक्सीजन फैला हुआ है हवा में। तो अभी निर्वाह में जो भागीदारी हो रही है उसके आधार पर चार अवस्थाओं में रखा गया है। तो ऐसी जड़ इकाई है, चारों अवस्थाओं में बनी हुई है, चैतन्य इकाई है, दो ही अवस्था में बनी हुई है। चैतन्य इकाई को देखें तो जीवावस्था में है और ज्ञान अवस्था में। तो इकाई को देखने जाए तो दो प्रकार की, अवस्था को देखने जाए भागीदारी के आधार पर, पूरकता के आधार पर, तो फिर चार अवस्थाओं में। तो भैया जो चैतन्य इकाई है वो उसका रिस्पॉन्स भैया जानना से शुरू होता है या मानना से भी शुरू हो जाता है? रिस्पॉन्स मानने से भी शुरू हो सकता है, जैसे हमको कोई सही बात लगी, हमने उसको जांचना शुरू किया है, अभी उसको पूरी तरह से देखा नहीं है, तो हम रिस्पॉन्स करते तो है, परंतु रिस्पॉन्स टेम्पररी रहता है, उसमें निरंतरता निश्चितता नहीं होती। अभी रिस्पॉन्ड किया, फिर कभी रिएक्ट कर गया, अंदर अंदर रिएक्ट किया, है ना, बट फिर उसको ध्यान दिया और फिर उसको रिस्पॉन्स तक ले गए, ये सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा तो भाई मुझे समझ में आया कि जो सेल्फ है वो ज्ञान मतलब बॉडी के साथ जुड़ के ज्ञानावस्था में है। हाँ वही सेल्फ, मतलब एक
कम विकसित सेल, वो पशु के शरीर के साथ जुड़कर जीवावस्था में है। अच्छा जीवावस्था में सेल है कि नहीं? जी हाँ जी है ना, है। लेकिन उसमें आपने बोला था जो मतलब उनमें नहीं है, जो बिल्कुल जैसे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक मछलियां वगैरह उसमें नहीं है ना ऐसा कुछ है? उसमें नहीं है, दिखता है कि उसे मानने की क्रिया भी नहीं है, दिखता है कि उसमें शरीर की बनावट में मेधक जैसा कोई तंत्र भी नहीं है, ब्रेन जैसी कोई तंत्र नहीं है जिससे कम्युनिकेशन हो पाए। जैसे पेड़ है, पेड़ में कहाँ है कहीं कोई ब्रेन तो दिखता नहीं है, नहीं दिखता। हम एक पेड़ के साथ ब्रेन रहकर भी क्या करेगा, कोई कम्युनिकेशन कर नहीं पाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर नहीं पाएगा। हाँ जी ठीक भैया। और मुझे पूछना था कल जो दोपहर को क्लास 11 बजे वाला सेशन के जो भैया जो जीने की आशा है ये सेल्फ में होती है ना? कहाँ होगी आप बताइए। मुझे मेरे को तो ऐसा लगता है कि जीने की आशा और इच्छा दोनों ही सेल्फ में होती है। हाँ, तो आशा भी सेल्फ में होगी, इच्छा भी सेल्फ में होगी। तो भैया फिर कल मुझे मुझे समझ में आया था कि प्लांट में जीने की आशा आपने मतलब ऐसा मुझे सुनाई दिया मतलब जी। तो फिर जब उसमें सेल्फ नहीं है तो कहाँ कहाँ था जीने की आशा? वो तो कई बार बात हुई, प्लांट में जीने की आशा नहीं है। प्लांट में रेस्पिरेशन है ना, ग्रोथ है, जीने की आशा कहाँ है? अच्छा तो मुझे ऐसा भैया गलत फहमी हो गई। जी जी ध्यान से सुनना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि पहला काम है कि प्रपोजल ध्यान से सुनने में आ जाए, है ना। नहीं तो अगर सुनने में या तो पूरी बात नहीं सुनी हमने तो कुछ हम अपने आप से मिक्स कर लेते हैं, तो प्रपोजल हमको ठीक से सुनने में आए फिर हम तभी वेरीफाई कर पाएंगे। नहीं तो एक बार प्रपोजल ही अगर हमको लगा कि अलग ढंग से हमको मिल गया तो फिर वेरीफाई भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा विचार में कि नहीं। हाँ तब तभी पूछा भैया मैंने, क्लियर कर लिया। जी जी थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ कल के सेशन में एक क्वेश्चन था तो आपने बोला कि मॉर्निंग में बात कर लेंगे जी। अभी भी बात चल रही थी थोड़ी भैया, तो थोड़ी लेट तो आ रही है कि हम गुण जिसको बोल रहे हैं वो परस्परता में प्रभाव को बोल रहे हैं, और स्वभाव जो है वो उसका एसेंस है। तो जैसे अभी आपने एग्जाम्पल किया दही का, या अपन एक लेमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लेमन है तो उसका जो प्रभाव तो परस्परता में प्रभाव तो सामने वाली जो दूसरी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम इसके स्वभाव का मतलब क्या, वो जो उसका खट्टापन है या केमिकली और भी जो उसके चीजें हैं वो उसका स्वभाव होगा, क्योंकि गुण तो उसका परस्परता में प्रभाव को बोल रहे हैं तो बदल रहा है। तो बाकी चीज आपने बोला कि दही हम सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, दिन में खाते हैं, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। खट्टापन को भी देखिए तो बदलता है कि नहीं बदलता है? जैसे नींबू अभी पौधे में तैयार हो रहा है तो उसमें एक तरह खट्टापन होगा, पूरा पक गया अलग तरह खट्टापन होगा, उसको रख दीजिए तो धीरे धीरे खट्टा थोड़ा मीठा हो जाएगा। ये सब जो चीजें हैं ये सब गुण में ही है। खट्टा का मतलब क्या होगा, हमने जीभ पे डाला तो खट्टा लगा, तो जीभ पे प्रभाव पड़ा ना जी। तो फिर वहां पे हम स्वभाव कैसे बोलेंगे, स्वभाव किसको बोलेंगे? लेमन की हम बात कर रहे हैं। स्वभाव का मतलब है, यदि प्राणावस्था के रूप में देखें तो सारक मारक के रूप में काम कर रहा है। आप उसको जीभ पे डालिए है ना, शरीर को पुष्ट करेगा। आप उसको आंख में डाल लीजिए या कहीं और डाल लीजिए, है ना, हो सकता है कोई ऐसी जगह डाल ले हम जहाँ पे वो शरीर को खराब कर दे, तो शरीर को शुष्क कर देगा। तो एसेंशियली जो परस्परता में प्रभाव पड़ रहा है उसमें दो ही तरह की चीजें हो रही है प्रभाव से, या तो दूसरी इकाई पुष्ट हो रही है या दूसरी इकाई शुष्क हो रही है, यानी सारक का काम कर रहा है या मारक का काम कर रहा है। ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है, बढ़िया बढ़िया भैया। अमोल जी नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। जी एक बात चल रही थी कि अपना सेल्फ का जो आकार है, तो जैसे भैया अभी ये तो शुअर है कि जब तक हम बॉडी में है तब तक हम हमारा आकार अपने शरीर तक सीमित है, मगर जैसे कोई गैस है
अभी ये कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि वो फिजिकल इकाई है, मतलब जड़ इकाई है, मगर कोई गैस है वो मैं एक कंटेनर में रखता हूँ तो उसका स्थान वो कंटेनर में सीमित होता है, मगर मैं जब उसका से ढक्कन खोल देता हूँ तो वो फैल जाता है। वैसे हम ऐसे सेल्फ के बारे में कह सकते हैं क्या, मतलब संभावना के रूप में? एक्चुअली वो देखना ही जरूरी है, मगर के जब सेल्फ शरीर से छूटता है या डिसीजन लेता है छोड़ने का, तो वो कोई भी स्थान ले सकता है, कोई भी स्थान लेगा, बट आकार तो बना रहेगा ना, सीमा तो उसकी होगी जी। और अभी भी हम देखे कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है, है ना, जैसे अभी हम शरीर के साथ बने हुए हैं, क्योंकि शरीर के साथ मुझे अपनी भागीदारी दिख रही है, हम व्यर्थ में पूरे शहर में क्यों फैले रहेंगे अगर भागीदारी नहीं दिख रही। तो शरीर छूटने के बाद भी है ना हमारी कल्पनाशीलता के जितना विकास हुआ होगा, जितना ज्ञान का विकास हुआ होगा, उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे, और अल्टीमेटली हम है ना हमारी एक योग्यता है, कॉम्पिटेंस है, उसी कॉम्पिटेंस के आधार पर निर्णय लेते हैं जी। बट जब भी होंगे एकाकार तो रहेगा ही जी, जी। भैया मगर ये कोएग्जिस्टेंस देखने के लिए, मतलब सभी का मतलब सेल्फ की जो चाहना है कि मुझे ये देखना है सभी के साथ एग्जिस्टेंस, तो उसके लिए हमें स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। तो शून्य के माध्यम से पूरे अस्तित्व की व्यवस्था मुझ में रिफ्लेक्टेड है, प्रतिबिंबित है, मैं उस प्रतिबिंबन को देखता हूँ तो मुझे पूरी अस्तित्व की व्यवस्था दिखाई देती है। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि हम बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं वो भीतर के लिए तैयारी है, क्योंकि अभी हमारी प्रेरणा नहीं बनती, हमारी तत्परता नहीं बनती, या हम अपने देखने में जो चूक कर रहे हैं उसका पता नहीं चलता, यानी मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो हम बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं वो भीतर देखने की तैयारी है, और भीतर कुछ दिखता है तो बाहर जीते ही है वैसा। बट अल्टीमेटली अचीवमेंट जो है, जो विकास है, वो भीतर होना है, उसका प्रमाण बाहर मिलेगा, बट जो विकास है वो भीतर है। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद, धन्यवाद। और जी जो प्लांट के बारे में कुछ प्रश्न है जैसे, और उसके बारे में मतलब जो सेल्फ का थोड़ा क्लैरिटी चाहता हूँ कि जो अपना स्व है वो कोई भी इसमें कॉन्शियस यूनिट है, इसका मतलब के कोई भी ऑर्डर में कॉन्शियस यूनिट है, ये हम कैसे देख पाएंगे? तो वो अजम्पशन कर रहा है कुछ चीजों का, मतलब कुछ चीजों के साथ एसोसिएटिव लर्निंग हो रहा है, ये चीज है, मतलब मानना शुरू हो गया है तो वहां कॉन्शियसनेस है, ऐसा हम बोल रहे हैं ना भैया? देखिए दूसरी गाय के बारे में बिना मानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम देखने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं पहचानने निर्वाह करने में जो परिवर्तन है उसके साथ हम मानना को तय कर देते हैं, या मानना को पहचानना कह देते हैं जी। ये चलता रहता है, क्योंकि अगर हम स्वयं को ना देख पाए, स्वयं में जो आचरण है उसके आधार में जो मानना है उसको ना देख पाए ठीक ठीक, तो अन्य इकाइयों के लिए है ना ये सब हम चीजें क्लैरिफाई नहीं कर पाते। ऐसे अपने आप में भी देखें, अगर हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं किसी रूप में और फिर जस्टिफाई करने जाए अपने तर्क को, तो हम कहते हैं हाँ भाई मानना है, बट अल्टीमेटली ये पहचानना है, क्योंकि अगला व्यक्ति जब ऐसे बोलता है तो मैं ऐसे कहता हूँ, अगले व्यक्ति के ऐसे बोलने के आधार पर जब मेरे अंदर ऐसा विचार चलता है तो मैं ऐसा कहता हूँ, विचार बदल जाए तो मैं ऐसा कहता हूँ, तो हम कहते हैं वहां भी पहचानना निर्वाह करना ही हो रहा है। तो ये जो मानने की क्रिया है, ये जब तक हमको स्वयं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, तो हम हो सकता है इसको भी हम पहचाने निर्वाह करने के स्तर पर ही आइडेंटिफाई करने जाते हैं, तो हम कहते हैं वहां भी है ना जो मानने में इनडेफिनिटनेस है अल्टीमेटली वो डेफिनिट है, क्योंकि जब ऐसा भाव विचार उठता है तो ऐसे करते हैं, वैसा भाव विचार उठता है तो वैसे करते हैं, तो कहते हैं भाई ये भी तो पहचान निर्वाह करना ही है, मानना कहाँ है। तो आप पाएंगे कि पूरे अस्तित्व के ज्ञान के लिए जो केंद्र में है वो स्वयं का ज्ञान है जी। स्वयं के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो क्रिया की ही क्लैरिटी नहीं होती है, तो क्रिया होती क्या है। अब चैतन्य क्रिया क्लैरिटी नहीं है तो जड़ और चैतन्य के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता जी। तो स्वयं के ज्ञान से ही है ना शुरुआत है, और उसको जब देख पाते हैं समझ पाते हैं तब जाके बाकी चीजें क्लियर होती है, नहीं तो तर्क में तो हम
कई सारी चीजों को आपस में या तो इक्विवेलेंट कह देते हैं या फिर डिफरेंट कह देते हैं। जी, वो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे हम उसको कुछ टर्म दे देंगे, मतलब कहाँ बाउंड्री खोलते हैं तर्क में, मतलब जी। तो आप जो बोल रहे हैं वो पहले तो अपना ज्ञान खुद को हो जाए, मतलब तभी हम बोल सकते हैं कि जब मुझे अपना ज्ञान हो जाएगा तब मैं बोल सकता हूँ कि किसी और ऑर्डर में वो है या नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पौधे में भी जो आचरण है उसमें भी हम कह सकते हैं यहाँ इस तरह की मानने की क्रिया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी कह ही सकते हैं। सूरजमुखी का जो फूल है वो ठीक है सूरज की तरफ मुड़ता है, बट हर फूल उतने ही एंगल पे मुड़ता है ऐसा तो है नहीं, नहीं कहते क्रिया हो रही है। जी जी बिल्कुल, चैतन्य का स्पष्ट ना हो। और प्रचलित विज्ञान में क्या है कि सारा काम पहचाने निर्वाह करने तक सीमित है, उसमें अपना मानना जोड़ते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, कुछ मानना उसमें जोड़ते हैं और हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस और इन सब चीजों पर डिपेंडेंट रहता है जी। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है इसलिए वो एक फंडामेंटल चूक है जो होता ही रहता है। जी जी, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पुणे में एक व्यक्ति हुआ करते थे जो पेड़ों के साथ बात करते थे, मतलब जैसे बिहेव करते थे, उनको लेके आते थे, उनके साथ उनका संवाद होता था और अगर वो रहना चाहते अपने बाग में तो ही उनको वहां ये करते थे, और नहीं तो वहां यहाँ से लेके आए वहां छोड़, मतलब फिर से वापस लेके जाते थे। और उन्होंने कई प्रयोग किए हुए थे और उसके कुछ असाधारण, मतलब जो साधारणता नहीं दिखता ऐसे ऐसा बिहेवियर भी था, मगर वो सब ठीक है। मगर मैं इसका इसेंस ऐसे ले रहा हूँ भैया अपने संवाद का कि अपने स्वयं के जब तक हम देख नहीं पाते ठीक ठीक से, यहाँ पे कंक्लूड करना या वो एक्सप्लोरेशन ही चलता रहेगा अलग अलग लेवल पे। यहाँ एक्सप्लोरेशन भी क्या एनालिसिस चलेगा, एक्सप्लोरेशन का मतलब तो कि अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे हम वेरीफाई कर पाए, वो होता नहीं है, खाली विश्लेषण होता है ना, उस पे तर्क लगाते हैं और सब चलता रहता है, तो अल्टीमेटली हम जीते हैं विचार की सीमा में। जी, हमारा भाव पे भी ध्यान नहीं जाता, इसलिए आप पाएंगे कि ये जो विचार के स्तर पर जीने वाला अभ्यास है ना, इसमें हम बहुत सारा विचार करते हैं परंतु भाव विकसित नहीं हो पाते, संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव विकसित नहीं हो पाते। तो एक व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, एटॉमिक रिसर्च कर रहा है, बट पूरे ह्यूमन सोसाइटी को किल करने के लिए जी उसका प्रयोग करने को तैयार बैठा है, भाव विकसित नहीं हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी में आप लोगों से बात करें तो उनको लगता है कि भाई हमारा काम है इस रिसर्च में कुछ कर पाना, कुछ पेटेंट करा पाना, कुछ नया निकाल पाना, ये जो बाकी चीजें हैं इससे हमें लेना देना नहीं, आप उसका मिस यूज करें, यूज करें, ये आपकी जिम्मेदारी। तो भाव वाला पक्ष तैयार नहीं हो पा रहा जी। वैसे पेड़ों के साथ भी नाता, मतलब मैंने लोग देखे हैं कि बहुत अच्छी तरह से नाता प्रस्थापित करके व्यवहार रहता है। और दूसरा भी क्या है, ये जब हम मानव के साथ संबंध पूर्वक नहीं जी पाते ना, तो हम पशु पक्षी के साथ संबंध पहचानने जाते हैं, पेड़ पौधों के साथ, पेंटिंग के साथ, मूर्ति के साथ, ठीक, अपने कोई निजी वस्तु के साथ, वही में संबंध पहचान को सुखी होने में लगे रहते हैं क्योंकि मानव के साथ ठीक ठीक नहीं जी पा रहे। अब इसके बहुत विस्तार होने का वो भी देखा भैया, मगर मतलब अगर स्व सेल्फ है प्लांट में, ऐसा देखे अगर आप नाते मतलब भाव से उसके साथ जुड़ जाए तभी भी एक सहसंबंध हो सकता है, वो भी एक शक्यता है, संभावना है। और पौधे के साथ जुड़ने का मतलब क्या हुआ, फिर हम पौधे को है ना क्या करें, काट के खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मतलब वो उसका कुछ भाग हम लेंगे, जैसे फल है। काट के क्यों नहीं खाएंगे, हमने पालक बोया, पालक को उखाड़ के हम क्यों नहीं खाएंगे? तो भैया मतलब वो तो नहीं, मतलब वो अगर उसमें जीव है जी जी, अभी ऐसे विचारों से कुछ नहीं बनेगा ना, ये देखिए नहीं वैसा तो भैया मतलब नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, तो मगर वैसा तो अभी क्लोनिंग के बारे में भी हो चुका है, तो खेती मत्स्य पालन भी होता है और ये सब भी चलता है मांसाहार के बारे में, है ना। मतलब देखिए सारा कुछ तो हम जड़ के साथ क्लोनिंग क्या हो रहा है, बॉडी का क्लोनिंग हो रहा है,
जी तो अगर हमें है ना स्वयं के बारे में समझ ना हो तो फिर हम इन सब चीजों पे भी बहुत ठीक ठीक निष्कर्ष निकाल नहीं पाते हैं। जी जी गुणिंग तो शरीर का हो रहा है, उससे कोई सेल्फ एसोसिएट हो सकता है, ये ठीक है, ये पॉसिबल है। हाँ तो इसमें यही है ना कि अगर सेल्फ एसोसिएट हो गया तो हम उस पे अत्याचार करके उसका बॉडी नहीं खत्म कर सकते, मतलब मांसाहार के बारे में हमारी जो भूमिका जो होगी तो दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लोनिंग करे चाहे ना करे, मांसाहार लोग कर रहे हैं है ना, तो ठीक है, उनको समझना होगा, सेल्फ बॉडी को समझना होगा। और उसमें कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि आप ये खाएं वो ना खाएं, हम तो ये कह रहे हैं समझ लें। अदरवाइज ये स्थिति है कि भाई पौधा भी नहीं खाएंगे है ना, हमको संबंध दिखाई दे रहे हैं पौधे के साथ, उसको रोज बुला रहे हैं, पुचकार रहे हैं है ना, उसको सीने से लगा रहे हैं, उसको लेके साथ में सो रहे हैं, ये भी एक स्थिति हो सकती है कि पौधे को भी नहीं उखाड़ के खाएंगे, तो ये सब नासमझी में हो जाता है ना। अगर हम मैं को ना समझे तो हम बाकी तीन अवस्थाओं का अधिमूल्यन अवमूल्यन करते रहते हैं। जी भैया बढ़िया भैया, इस पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए अब है ना। जी 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 भैया धन्यवाद भैया, बढ़िया भैया। हेलो जी, हाँ तो भैया एक प्रश्न इससे पहले भी मैंने रखा था लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं हुई थी कि जैसे कोई जीव है पशु शरीर के साथ एसोसिएटेड है और उसका जब तक इवोल्यूशन नहीं होता है, जब तक उसमें विकास नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान में या ज्ञान अवस्था में नहीं आ सकता है। तो जीव अवस्था में रहते हुए उनमें विकास होने की संभावना कहाँ दिखती है, क्योंकि वो तो केवल मानने पर ही जीते हैं और विकास होने के लिए समझना कहीं ना कहीं जरूरी दिखता है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें भैया कि कैसे उसमें पॉसिबिलिटी है ये कि वो जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में आगे बढ़ पाए। तो अगर हम जीवावस्था के सेल्फ को भी देखें तो कुछ सेल्फ होंगे जो प्राइमरीली चयन आस्वादन के स्तर पर जी रहे हैं, उसमें भी चयन और आस्वादन भी काफी सीमित है, कुछ का चयन आस्वादन ज्यादा विकसित है, तो उनको अपने शरीर को संरक्षण देने के क्रम में, पोषण देने के क्रम में है ना चयन आस्वादन क्रिया को विकसित करना होता है। जैसे कोई अगर पशु शिकार भी कर रहा है तो उसको भूख लग रही है ना, इसलिए उसने चयन किया कि शिकार करके खाना है। अब जो भेड़िया है वो बार बार हिरण पे अटैक करा, हिरण बच के निकल जा रहा है, तो विश्लेषण करता है कि एकदम दुबक के बैठे रहो है ना, जब सामने आए तभी कूदो, पहले से कूद जाने से हिरण भाग जाते हैं, तेज है ये, तो विश्लेषण किया उसने। तो अपने शरीर के पोषण संरक्षण के क्रम में सेल्फ का विकास होता जाता है। वैसे ही जो पशु परिवार में रहते हैं है ना, जैसे नर मादा साथ साथ रहते हैं, आप देखें शेरों में है ना, या बहुत सारे पशुओं में परिवार में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, समुदाय बना के रहते हैं, अपने झुंड के पशुओं का वो संरक्षण करते हैं, बचा के रखते हैं दूसरे पशुओं से, तो फिर उसमें और उनको कल्पना क्षमता विकसित करनी होती है, उनका विचार और विकसित होता है उसमें, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। और सामूहिक रूप से कभी कभी जब किसी का नुकसान हो जाता है, कई बार आपको पशु में आंख से पानी भी गिरता हुआ दिखाई देता है, दुखी भी हो जाते हैं वहां पे, बट थोड़ा सामयिक रहता है, हमारे जैसा नहीं रहता। तो शरीर का पोषण संरक्षण करते हुए और अन्य पशुओं के साथ संबंध का निर्वाह करते हुए उनकी कल्पनाशीलता धीरे धीरे विकसित होती जाती है। उसी में आप देखें तो चिंपैंजी जैसे पशु हैं जो आप देखेंगे अपने बच्चे को कैसे लगा के रखते हैं सीने से, और उनका अगर हम कम्युनिकेशन देखें, हम जो सूचना देते हैं उसको जिस तरह से ग्रास्प करते हैं, जैसे एनालाइज करते हैं, जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो काफी विकसित दिखाई देता है। ये बिल्कुल ही संभावना है सेल्फ में डेवलपमेंट की। और जो पशु मानव के साथ रहते हैं वो मानव के द्वारा दिए गए संकेतों को पढ़ते हैं और उस क्रम में उनको एनालाइज और ज्यादा करना होता है। तो आप जाके सोफा बैठे और सिर्फ एक छोटी उंगली से सोफा को पैट किया तो कुत्ता जान लेता है कि मुझे कहा जा रहा बगल में आके बैठो। अब ये जो उसने संवेदना पढ़ी और उससे जो निष्कर्ष निकाला कि मुझे बगल में आके बैठने के लिए कहा जा रहा है, या आपने हाथ बढ़ाया आगे और उसको समझ में आया कि कमरे से निकल जाओ,
अब ये पशुओं के साथ होते हुए नहीं हो पाता, परंतु मनुष्य के साथ होते हुए हो पाता है, क्योंकि तो हमारी कल्पनाशीलता विकसित है। तो शरीर के पोषण संरक्षण के क्रम में, संबंधों का निर्वाह करने के क्रम में, अन्य पशुओं के साथ या मानव के साथ जीते हुए कल्पनाशीलता का विकास होता ही। जी जी, तो भैया कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था प्राणियों पर, अलग अलग प्राणियों पर, उनके सामने आईना रखा गया, तो कुछ प्राणी ऐसे थे जो खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, कुछ प्राणी ऐसे थे जो खुद के इमेज को पहचान पा रहे थे। तो प्राणियों में भी, मतलब जीव अवस्था में भी, अलग अलग स्तर का इवोल्यूशन दिखाई देता है, ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल है, वही तो बात हो रही है। तो अलग अलग जीवों का अलग अलग विकास दिखाई देगा, बिल्कुल सही है ना। जैसे चूहा है, खरगोश है, इनका विकास एक सीमा तक है, बट यदि आप शेर, बाघ, चीता को देखें, इनका विकास अलग तरीके का है, तो विकास भी अलग अलग दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। और इसी एक प्रजाति में भी अलग अलग इकाइयों का अलग विकास दिखाई देगा। गायों में भी देखें तो कोई गाय होगी जो ज्यादा विकसित होती है, ऐसे कल्पनाशीलता ज्यादा विकसित होती है, कोई गाय होगी कल्पनाशीलता उतनी विकसित नहीं होती है। जी सही, बिल्कुल जी, तो ये वेरिएशन तो दिखाई देगा ही। और फिर ज्ञान योनि से जीव योनि में जाने की संभावना भी बनी है, क्यों जाएंगे? अगर हम अपने आप से पूछें, अगर लगता है कि वहां ज्यादा सुख है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, निर्णय हमारा है। ठीक है जी जी भैया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा, कल की भी चर्चा बहुत अच्छी रही और आज की भी, जिसमें जहां तक मैं, सर आप बताइएगा कि मैं, मेरा जो मैं है कहां तक विकसित है, मैं कहां तक समझ पाई। मैंने यहां पर ये समझा कि जो स्वभाव है उसमें, जो चैतन्य इकाई है उसमें भाव होना जरूरी है, और भाव भी ऐसा हो कि हमें जो अदर यूनिट्स हैं उनके साथ एक संबंध और एक व्यवस्था बनाए रखनी, उस व्यवस्था में बनाए रखने पे हम कितना निर्वाह कर पा रहे हैं, यानी कि तर्क से ना हटकर हम अपने आप में उस भाव को देख पा रहे हैं। क्योंकि तर्क तो विचार है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन तो रहेगा ही, अगर हम किसी दूसरी यूनिट के साथ है, स्वयं के साथ भी अगर हम अपनी बॉडी के साथ भी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन और तर्क तो उठेंगे ही उठेंगे। तो जीने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस भाव को समझना बहुत जरूरी है, और उसमें जो मानने की, मानने में तो परिवर्तन है ही है, संबंध को बनाए रखने के लिए हमें जो चिंतन और कार्य करना है वही हमारा एक मूल तत्व लगता है, तो सही है जी जी। तो अपने में चिंतन, बोध, अनुभव को जागृत करना यही मूल कार्यक्रम है, और हाँ जी यही मूल कार्य है। इसके साथ देखिए तो भाव हमारे अंदर कुछ ना कुछ होते हैं, सही भाव का होना जरूरी है सुख रोज जीने के लिए। पर सर सही भाव को हमें कैसे पता, वो जो हमारी व्यवस्था बनती है संबंध में, एक ऐसे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो वहां पता चलता है कि वो भाव हमारे सही जा रहे। अपने स्वभाव को देखेंगे तो निर्णय कर पाएंगे, स्वभाव को देखेंगे तो निर्णय कर पाएंगे। ठीक है जी। सर प्रैक्टिकली तो करने में इजी लगता है, पर थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्चुअल अगर हम उसको समझने ना तो बहुत आराम से बैठ के ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है जी। तो बिल्कुल, उसको थ्योरेटिकली लिखना भी सर एक, ये भी जब तक हम प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पाएंगे ना तो थ्योरेटिकल भी हम स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। वही स्वयं में जांचना और जी का देखना, थियरी नहीं है ये, बेसिकली प्रपोजल मिल रहा है उसको स्वयं में जांचना है, और जब जांचते हैं तो उसकी बारीकियों पे ध्यान जाता है। प्रपोजल मिल रहा है और उसमें ध्यान जाता है, ठीक है जी। जानने परखने में हमें प्रपोजल मिलता है और उसमें जांचने और परखने की व्यवस्था बनती है जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। जी जी भैया, मेरा प्रश्न था, जब आप बता रहे थे कि कई बारी जो जानवर हैं उसमें भी दिख जाता है, क्योंकि जीवन जीने की प्रक्रिया में उसमें
विकास होता रहता है, सेंसेस जो है उसके होते रहते हैं। तो अगर मनुष्य में ही हमारे जो अलग अलग ऑर्डर में हम सभी जी रहे हैं और सभी लोग इसके लिए कॉन्शियस प्रयत्न नहीं कर रहा, तो ऐसा है क्या कि क्रमशः जीवन जीते जीते हर कोई पूर्णता की तरफ जा रहा है? निश्चित चाहे नहीं वो है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है, निश्चित नहीं है। अब कोई व्यक्ति क्रूरता में भी जा रहा है, कोई व्यक्ति दीनता में भी जा रहा है, कोई व्यक्ति हीनता में भी जा रहा है, जाने की कोई भी गति हो सकती है। मासूम बच्चे थे सभी जब शरीर यात्रा शुरू की, कोई ज्ञानी हो गया, कोई और ज्यादा दीनहीन हो गया, कोई क्रूर हो गया, ये सब तो हो ही रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं ये निश्चित नहीं है। अगर हम अपने ऊपर जांच परख ना करें तो सकता है हमारी गलत मान्यता और प्रगाढ़ हो जाती है। वो तो होता ही रहता है, पैसा ही सब कुछ है, दुनिया ही ऐसी है, है ना। इस दुनिया में सीधे चलोगे तो लोग सब तुम्हारा शोषण कर लेंगे। यहाँ दुनिया में जीना है तो टेढ़ा होना पड़ता है, घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमेशा मान मान कर हम बहुत टेढ़े हो जाते हैं कि नहीं जी जी। लेकिन ऐसा भी तो है भैया कि जीवन जीने में अगर किसी ने ऐसा माना तो सफरिंग तो उसकी होगी, तो सफरिंग की क्रिया के दौरान क्या उसके साथ जैसे पशु में है जीने के लिए जीवन की बाध्यताओं के साथ वो अपने आप को, जैसे बताया कि भेड़िया को करना है तो थोड़ी देर रुकेगा और तब वो हिरण के ऊपर छलांग मारेगा, तो इस तरह से कॉन्शियसली धीरे धीरे इवॉल्व तो हो ही रहा है, तो ये मनुष्य में कल्पनाशीलता में काम हो रहा है, भाव का विकास तो निश्चित नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा मैंने सामने से घूस लिया तो पकड़ा गया, बदनामी हुई, अब मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जिस व्यक्ति से घूस लेना है उससे मैं कभी मिलूंगा ही नहीं, बीच में एक सिस्टम सेटअप करूंगा, चार लोग होंगे, पैसा यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाएगा और फिर मेरे किसी विदेश अकाउंट में जमा हो जाएगा। कल्पनाशीलता में काम किया और छल का प्रयोग किया, हीनता और बढ़ गई। जी जी जी, इसका मतलब इसका मतलब वो जो B2 में है उसमें क्रमशः ऊपर नीचे गति बनी रहेगी जब तक हम B1 की तरफ नहीं पहुंचे। हाँ, और गलत मान्यताएं और प्रगाढ़ होती जा सकती हैं। मतलब किसी जीवन यात्रा में अगर हमने अपने को उठाया पर B1 तक नहीं पहुंचे तो दूसरी जीवन यात्रा में हो सकता है कि हम और नीचे चले जाएं अगर समझदारी नहीं रही तो। बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर मान्यता गलत बन गई और धीरे धीरे पुष्ट होती गई, देखिए अभी इसको ही देखें कि बच्चा तो मासूम होता है, फिर वहां से वो कैसे इतने बड़े बड़े अपराध करते हैं। ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जिसको अपने को कल्पना करना भी मुश्किल पड़ता है, जिस तरह के लोग क्रूरता करते हैं, हत्या करते हैं, है ना, हिंसा करते हैं। जी भैया, यहाँ इसी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे बच्चा है तो उसने अपने पिछले जन्म के भी तो उसके अपने कुछ उसके ऐसे संस्कार रहे होंगे जो इस जन्म में वो और ज्यादा वो बढ़ रहे हैं, या कुछ अंदर तो ऐसी चीज रही होगी तो हाँ। जब छोटा था तो उसमें उस चीज को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, जब बड़ा हुआ उसको ऐसी संगति हुई तो फिर उसने अपने को मैनिफेस्ट किया। हाँ, इसमें इतना जरूर होता है कि जो गहरी मान्यताएं हैं वो तो संस्कार रूप में काम करती हैं, परंतु ये जो विचार में बहुत सारा कुछ करते हैं ये सारी फॉरवर्ड भी कोई जरूरी नहीं है, बट गहरी मान्यताएं कुछ बन जाती हैं, वो रहती हैं। और उसमें भी जब शरीर लेते हैं और फिर जो शिक्षा मिलती है, जो पास का वातावरण मिलता है, उसके अनुसार सेल्फ में काफी प्रभाव पड़ता है। गहरे संस्कार से कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि बिल्कुल शांत होते हैं, कुछ बच्चे ना उग्र होते हैं बचपन से ही, बिल्कुल सीधे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े चालाक होते हैं, तो ऐसा भी एक वेरिएशन दिखाई देगा। पुराने संस्कार है। जी भैया, एक और प्रश्न था भैया, जैसे अभी आपने चर्चा के दौरान बताया कि जो सेल्फ है शरीर का, उसका एक आकार तो है, ये तो पता है कि वो सीमित है, सीमित है तो उसका आकार जरूर होगा, असीमित नहीं है वो, तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक सीमा में है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो शरीर छूटने के बाद ऐसे तो बड़ी सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं कि कुछ को कहते हैं कि छोटी सी बिंदी की तरह होता है, कुछ कहते हैं अंगूठे मिसल होता है, अलग अलग संस्कृत के जो भी हैं अलग अलग तरह से इसकी व्याख्याएं हैं, प्राण के लिए, आत्मा के लिए, सोल के लिए। तो चलिए, जो हम सेल्फ का जो भी देख रहे हैं आकार, बैठने में, सोने में और चलने में, शरीर के साथ भी है कि उसके अगर छोटा शरीर है बड़ा शरीर है तो किस तरह के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ, ये भी लगता है। लेकिन अगर जब शरीर छूट जाता है तो वो कहाँ प्रेफर करता है, किस जगह पे होता है, ऐसा कुछ सोचा जा सकता है? हाँ, तो उसमें फिर जितने फैलाव की जरूरत है उतने बने रहेंगे, और अभी तो एक शरीर के साथ बाध्यता है कि इतने बड़े शरीर में फैलना है। जब शरीर नहीं है तो
जहां तक मेरी कल्पनाशीलता है, जहां तक मुझे अपनी भागीदारी लगेगी, उतने दूर में ही फैले रहे। तो अभी तो एक शरीर जितना बड़ा हो गया, जैसे छोटा बच्चा है 2.5 फुट का है तो 2.5 फुट में फैला हुआ है, 6 फुट का हो गया 6 फुट में फैला हुआ है सेल्फ। ठीक, तो ये फैलाव ही तो है, सेल्फ तो वही है, फैला रहा है अपने को। अगर शरीर नहीं है तो उतने दूर में ही फैलाएगा जितने में आवश्यकता है, जितने में उसने आवश्यकता को पहचाना है। ये तो उसके रूप का हो गया, लेकिन वो ये पूरे स्पेस में कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, ये कैसे? उसमें भी हमारे अंदर देखे तो बहुत सारे लाइकिंग डिसलाइकिंग है आज के दिन। जी भैया, है ना। तो हम कहीं भीड़ में भी होते हैं तो अपने पसंद का एक कोना ढूंढ लेते हैं, राइट। वही बात में भी करेंगे कि नहीं, कोई कोना ढूंढ लेंगे। जी जी जी, इसका मतलब जो एक एक बनी हुई है मान्यता कि परिवार के साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट है, अपने परिवार जो कहते हैं ब्लड रिलेशन, सो कॉल्ड, जो मान्यताओं में चलता रहता है, इसका मतलब कहीं उसी के इर्द गिर्द कुछ होगा या कुछ ऐसे कुछ और भी जो परिवार में दुख पाया तो इस परिवार में दोबारा लौट के नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, फिर कहीं और होगा। जी जी, परिवार लगाव हो गया तो एक तरह का होगा परिवार। हालांकि जी ये भी हमारी कल्पनाशीलता ही है, अभी तो इसको बस हम सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं जितना तक समझने की प्रोसेस में है, तो शायद बाद में ये भी दिखने लगे, हो सकता है ये भी दिख जाए। भाई सेल्फ की ओर ध्यान देंगे, ये सारी बातें समझ, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। अच्छा, अभी जैसा अच्छा। है अभी है ना, शरीर के साथ है तो अभी भी हम देखें, जब इसको अध्ययन करेंगे तो पाते हैं कि शरीर के साथ सूचना का दान प्रदान है वो तो मैं आवश्यकता अनुसार सामूहिक रूप से करता हूँ, बाकी समय जीना तो स्वयं में होता ही रहता है। तो जो स्वयं में मेरे गहरे गहरे संस्कार बने हुए हैं उसके साथ ही मैं शरीर के साथ भी निर्वाह कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं अन्य मनुष्यों के साथ भी निर्वाह कर रहा हूँ, तो यथावत है वो, है ना। यही है कि बाहर की घटनाओं से वो संस्कार ट्रिगर होते रहते हैं, कुछ कुछ संस्कार, कुछ संस्कार ट्रिगर नहीं होते। जैसे कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कोई ऐसा संस्कार आपका ट्रिगर होता है जिसका आपको पता ही नहीं था। जी बिल्कुल, कई बार आश्चर्य होता है कि ये भी हमारे अंदर था क्या, ऐसा होता है। जी तो जब आवश्यकता होती है ट्रिगर होता है। जी ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद भैया। बढ़िया, हाँ नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, जो आप अभी बता रहे थे जैसे ह्यूमन बीइंग का मानव का क्लोन बनाने की तैयारी हो रही है, ऐसी बहुत चीजों आज से 25 साल पहले हो गया, तो मैं ही साहब जैसे मानव का तैयारी हो रही है, बाकी पशु का तो हो ही गया। जी जी जी, तो साहब मैं ये नहीं सोच समझ पाता इसकी, इन चीजों की जरूरत ही क्या पड़ती है साहब। देखिए अभी तो हमको अगर मैं की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता स्पष्ट ना हो जी, तो अभी तो हम बहुत सारा गैर जरूरत का काम तो करते ही रहते हैं। इतना सारा युद्ध करने की क्या जरूरत है, इतना सारा हिंसा करने की क्या जरूरत है, इतना सारा संग्रह करने की क्या जरूरत है, इतना सारा भोग करने की क्या जरूरत है, अभी हमको नहीं दिखाई देता। ऐसी साफ फलों की सब्जियों के जैसा हाइब्रिड कर का बना रहे हैं, जब जो एक्चुअल चीजें हैं वो उसकी क्वालिटी रहती ही नहीं। देखिए अभी समझने पर ध्यान देते हैं, समस्याओं के अभी विश्लेषण नहीं जाते हैं, है ना। तो मैं बात वो जी जी, तो अभी मैं को समझने पर काम करते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। अभी हम लोग इकाई के 5 आयाम रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म को लेकर चर्चा कर रहे थे, अब इसको ठीक ठीक देखते हैं, अपने भी बारे में देखें। जो बात शुरू हुई वो मैं के रूप से शुरू हुई, तो मेरा भी एक रूप है, मेरा गुण है, मेरी सहस्वीकृति है, यानी संबंध को लेकर मेरे अंदर सहस्वीकृति है, स्वभाव है, मेरी स्वयं में व्यवस्था है और मैं सहस्तित्व में हूँ। इन सब बातों को स्वयं में ऑब्जर्व करना है कि नहीं। जी 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 बिल्कुल, यहां से ही फिर हम स्वयं में भी आश्वस्त हो पाते हैं या समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, नहीं तो समस्याएं तो है ही बाहर, उसका विश्लेषण कितना भी करें उसे कुछ खास निकलता नहीं है कि नहीं भैया। बढ़िया भैया, ये समझ की कमी कह सकते हैं, समझ की कमी तो है, तभी तो ना समझी कर रहे हैं। जी भैया नमस्ते, माइक मिल गया है। जी जी नमस्ते, बस बस 2 मिनट है, मैं बस अपनी छोटी सी बात रखना चाहूंगा।
ये जो भी अपना डिस्कशन चल रहा है बहुत सही चल रहा है सेल्फ के बारे में या स्वभाव गुण, तो मैं मेरा ये मानना है बस यही कि हम अगर अभी इसी जन्म की बात चल रही है और इसी सेल्फ की बात चल रही है, जब हमारी बॉडी नहीं रहेंगी तब वो सेल्फ का क्या होगा ये तो हमको अभी पता नहीं है, वो तो जब हो जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हम अगर सब पॉजिटिव थिंकिंग विश्वची माजे घर जो बोलते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ये मान के चलेंगे तो भैया हमें संतुष्टि मिल सकती है, ये मेरा मानना है। ये मानने से कोई काम नहीं बनेगा ना, अभी देखिए क्या होता है। हमारी मानने का एक अभ्यास बना हुआ है, इधर मानते हैं उधर मानते हैं है ना, कुछ मान लेते हैं, मानना नहीं है जांचना है। हाँ, अभी अपन वो जानने को बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, रुकिए तो ये सब ये होगा अच्छा होगा, जब बुरा हो गया तो दूसरों को दोष दे रहे हैं, दूसरों के प्रति विरोध का भाव रखे, ऐसा थोड़ी है। इसलिए मानना नहीं है, जो वस्तु जैसी उसको ऐसा जानना है, अदरवाइज हम बहुत सारा समय लगा के भी वहीं के वहीं रहेंगे। जी भैया जी भैया, मतलब जो भी हो रहा है वो मतलब ऐसा जान के चले कि ये सब मेरे कारण हुआ, दूसरे के ऊपर दोष देना नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। जी भैया, अभी देखिए हम अभी कुछ कहते हैं कुछ और ही हम लोग सुन लेते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर मानव को चाहना ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ मैं अपनी योग्यता के आधार पर कर रहा हूँ, जो दूसरा कर रहा है दूसरा अपनी योग्यता के आधार पर कर रहा है, गलती एकदम करेक्ट भैया, बराबर बराबर बराबर, गलती मेरी भी हो सकती है, गलती दूसरे की भी हो सकती है। जी भैया जी ठीक है जी, नमस्ते, कुछ कुछ पॉइंट आए तो मैं रेज करता हूँ। ओके ओके, धन्यवाद भैया जी, मुझे लगता है समय हो गया है।